उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में डॉक्टरों की कारस्तानी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक गर्भवती महिला की प्रवास पीड़ा को अनदेखा करते हुए आधार कार्ड और राशन कार्ड का प्रमाण न लाने पर उसे डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया। गर्भवती महिला की हालत काफी बिगड़ गई थी। भर्ती न हो पाने की वजह से वो मायूस होकर अस्पताल से निकल गई, लेकिन समय पूरा होने के कारण उसने बच्चे को हॉस्पिटल के गेट पर ही जन्म दे दिया। इस बात की जानकारी जब अस्पताल प्रशासन को हुई तो उन्होंने आनन फनन में नवजात और माँ को अस्पताल में जगह दे दी। जच्चा बच्चा दोनों सकुशल हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं सरकारी अस्पताल की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। रायबरेली की रहने वाली चंदा स्टेशन के करीब झोपड़ी बनाकर रहती है और कबाड़ बीन कर परिवार का भरण पोषण करती है। वो प्रेग्नेंट थी और उसे अचानक प्रवास पीड़ा होने लगी। जानकारी के बाद चंदा का पति अजय उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया तो सरकारी अस्पताल के कर्मचारी ने उसे आधार कार्ड और राशन कार्ड के दस्तावेज की मांग की। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।